पे बनी है पानी पूरी और ये है मीठा पानी और ये है फीका पानी और ये आलू की चटनी। मैं इधर बैठूंगी। हाँ बैठो, लाइट ऑन कर दो। तो बारिश चली गई थी, उसके बाद फिर में हम लोगों ने सोचा कि आज आम का रस और हाथ के पहले, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने ये आटा गूंथा है और अभी ये आटे को मैं ना इसको अच्छे से मेल कर दिया एकदम पतला पतला। मटके वाली रोटी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मटका नहीं है तो ये मैं अभी कर लूँ। तेल गर्म हो गया है तो बस फिर बाद में मिलती हूँ आपको। पूड़ी है ना ऐसे बनती है, और थोड़ी सी दिखाऊंगी, एकदम से याद आ गया कि वीडियो बनाओ, मेरे को दिखाओ। तो ये है ना, ये ऐसे हाथ में ले, ये देखो ये आटा ऐसा है, और मैं अभी डालते हुए भी दिखाऊंगी ये ऐसा पानी, ये पानी वाली पता नहीं आप लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोग तो हाथ की रोटी बोलते हैं और शुद्ध मराठी में शायद पहले बनते हैं, और इतनी टफ है ये। इससे एक मटके वाली भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बस मटका और जितनी बनती है उतनी आप बना लीजिए। और ये देखिए ऐसे जितना, और ये और अच्छी बनती है, लेकिन मैंने इस टाइप की बनाई है और मैं यहाँ बैठ के बना रही हूँ, जहाँ से मेरा हाथ दुखता है। ये देखिए ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे थोड़े चुपचाप रहोगे, वो बात कर रहे हैं तो उनको बोली कि थोड़ा चुपचाप रहो। ये देखिए ये ऐसा करते हैं, अरे रुको थोड़ा देर, थोड़ी टाइम रुको। तो ये इस टाइप का ऐसे बनाते हैं और ऐसे दबा के फिर ये देखिए मैंने डाली ना उस प्रोसेसर से, फिर तो सबको आती होगी और बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। ये रस के साथ बहुत टेस्टी है। हमारे महाराष्ट्र में एक मटके वाली रोटी, उसको रानी रोटी बोलते हैं, और ये कि हाथ के पहले, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं वो वाली भी करूँगी, मटका नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं वो करूँगी। तो ये अब हो गया है, अब मैं ये निकालूँगी। ये देखिए ये इस टाइप की, जितनी बड़ी बनाओगे उतनी बड़ी, तो फिर ठीक है खाने के बाद आपको मिलती हूँ। ये देखिए ऐसे निकालो और इस टाइप का ऐसा होता है, और फिर और अब मैं इसको करूंगी ऐसे, देखो देखिए ये देखिए जितना गोल भी होता है तो इस टाइप जितने आप, लेकिन आटा आपको बहुत अच्छे से मैंने इस टाइप का किया है और गीला हो सकता है। ठीक है मिलती हूँ आपको बाद में। अरे बंद करा मन रही ना, इकड़े बोल। तो आज ही ना इतनी बारिश आ रही है, सुबह से आ रही, मैंने इसलिए आपको मिल रही हूँ। तो मैं ना दो तीन दिन का ऐसा करके ये व्लॉग तैयार करती हूँ। तो अभी ना इतनी बारिश आपके इधर आ रही है, हमारे इधर तो मस्त ठंडा लग रहा है, बारिश ने दर्शन दे दी है। तो बैठी हूँ मैं यहाँ पे, और मेरी दीदी गई है वेतन क्या आज क्या छत क्या बोलते उसको छत क्या बोलते उसको टिंकी नहीं पता, वो काम चल रहा है खुद को मराठी में क्या बोलते पता नहीं। और तो फिर हम लोग भी जाएंगे, क्या उनका खाना भी है तो जा रहे, वो वहीं पे है, और फिर हम भी जाएंगे। तो हम बैठ रहे बारिश का इंतजार कर रहे कि बारिश कब है। ठीक है बाद में। तो ये गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मेरी दीदी का, मेरे नन के आए ना उनके घर का, मैं बोल रही थी ना स्लैप हो गया है, छत हो गई है आज, तो मेरी दीदी का भी उन्होंने खाना रखा है, तो हमको भी बुलाया है। तो वो अब बारिश की वजह से हम लोग गए नहीं, और वो लोग हैं ना वैसे अभी गई मेरी दीदी, उन्हीं के यहाँ थी उनका घर देखने के लिए, मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं गई नहीं थी। तो अभी यहाँ पे है ना उनका, मेरे भैया मतलब मौसी का लड़का भी आया है, तो उनके ना
तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो बस ये कुछ आपके साथ अपडेट कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये पास में घर है, एक लाइन के आगे है। पीयू का बर्थडे जा हुआ था तो एक बार और हम उनके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। ऐसे पानी पिएगा ठंडा मिट्टी का। आज मिट्टी का आज बर्थडे का खाना है। फ्रेंड ये कितना रो रही है क्योंकि ये अपने खिलौने के लिए लड़ रही थी कूपियों से। देखो और यहाँ ये लोग खेलने में लगे और ये कुहू रो रही है। देखो क्यों रो रही, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हुई है। कुहू और मिठी की लड़ाई हो गई। मिठी तो गाइज यहाँ पे बन गया हमारा पोहा और बाहर है ना चल रहा है रिमझिम बारिश। आपको यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। अभी ये है ना डिंकी ने बनाया है और इसमें आपको व्हाइट दिख रहा होगा मतलब, लेकिन बहुत येलो येलो है। और दिख रहा है ना व्हाइट। हाँ और डिंकी ने बनाया है। आज बारिश का मौसम है। चलो आपको मैं दिखाती हूँ बारिश का। थोड़ा सा टीवी बंद कर देना ना। तो यहाँ पे मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देखो कितना अच्छा मतलब व्यू हमारे इधर का। ऐसे मुझे तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताएगा। एकदम ये भी नहीं, लेकिन देखो कितना सा। अब मैं बाहर नहीं जा सकती। और हम लोगों ने कल है ना एक वो बल्लर सेंगफली है ना वो भी बुआई कर दी। अब लग जाएंगी और फूल भी बहुत आ रही है देखिए। और मैंने है ना वो कुलता बोलते हैं ना राजमा जैसे रहता है, मैं दिखाऊंगी, उसकी भी बुआई कर दी आज यहाँ पे। और बहुत अच्छा मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम है। बहुत सुंदर मौसम है और मॉनसून आ गया है हमारे यहाँ। और लगातार बारिश है, लगातार रोड भी देखो कितना प्यारे प्यारे। अब यहाँ पे आपको है ना हर समय है ना हरियाली हरियाली दिखेगी गाइस। तो फिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे डिंकी वेट कर रही है हमारा खाने के लिए। तो मिलते हैं आपको बाद में।